हाय, सो वी आर रीडिंग दिस क्लास 11th इकोनॉमिक्स। इसके प्रीवियस चैप्टर्स में हमने पढ़ा यूनिट 1 डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड एक्सपीरियंस 1947 टू 1990, चैप्टर नंबर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 में, चैप्टर नंबर 2 इंडियन इकोनॉमी 1950-1990, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 के, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इसका हमने एक अप्रेजल देखा। यूनिट 3 था करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी, पॉवर्टी, देन हमने देखा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, देन वी टॉक्ड अबाउट रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इशू। दिस चैप्टर वी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कि वर्कर्स एम्प्लॉयमेंट क्या होते हैं, देन पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट क्यों ज़रूरी है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, फैक्ट्रीज, ऑफिसेज, बिकॉज यू नो ऑर्गेनाइज्ड भी होता है और अनऑर्गेनाइज्ड भी होता है, फॉर्मल होता है और इनफॉर्मल सेक्टर होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी, ऐसे एम्प्लॉयमेंट को हमने क्लासिफाई कर रखा है। इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ चैलेंज, ओपन एंड दिस डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है। गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स भी लेती है। आज हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर का। व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर? सी, सेल्फ रिलायंट इंडिया में काफ़ी पुश है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, एस्पेशली इन एग्रीकल्चर सेक्टर में। द स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, बॉटल नेक है इंडिया में। एनर्जी एंड देन हेल्थ, ये COVID-19 के बैकड्रॉप में ये चैप्टर अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज अभी हम क्लास 9th में हैं, तो विल ट्राई टू लिमिट अवर डिस्कशन टू दिस क्लास 9th लेवल, यू नो, बिकॉज हर क्लास का अपना एक थीम होता है। सी, अपन अभी NCERT हमने क्लास 9th देखा, देन 10th देखा, सो वी वर टॉकिंग एट दैट लेवल 9th एंड 10th में। राइट नाउ वी आर इन 11th, तो हम 11th की चीज़ें यहाँ पे कवर करेंगे, देन 12th एंड देन एडवांस्ड होगा, उसमें हम विल कवर थिंग्स टू जो उस लेवल की चीज़ें हैं। सो राइट नाउ विल स्टिक अवर डिस्कशन टू दिस इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके? सो ग्रेजुअल लर्निंग बहुत ज़रूरी होती है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। नाउ अंडरस्टैंड द मेन चैलेंजेस इंडिया फेसेस। अब इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो करंट अफेयर्स में ज़्यादा हम बेटर वे में लिंक कर सकते हैं, बट अगेन ये बुक आप रीड इट लाइक वी आर फॉर्मिंग अ बेस, और इस पर हम आगे फिर करंट अफेयर्स को बिल्ड करेंगे। सो दिस इज़ द प्लेटफॉर्म। मेन चैलेंजेस इंडिया क्या फेस कर रहा है इन द एरियाज ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भी, सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में। नो द रोल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अंडरस्टैंड द रोल ऑफ एनर्जी का क्या रोल है, उसके क्रिटिकल कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, देन प्रॉब्लम्स, प्रॉस्पेक्ट्स, एनर्जी, हेल्थ सेक्टर्स में क्या है, अंडरस्टैंड द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं ना, तो इकोनॉमिस्ट का हमें ये समझ में आता है कि डिसीजन मेकिंग कैसे लेना है, पॉलिसी मेकिंग कैसे लेना है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। सो दैट इज़ वाई ये बैकग्राउंड नॉलेज वी शुड हैव। लेट अस टॉक अबाउट दिस नाउ। यहाँ पे कोट है, मैनी थिंग्स वी नीड कैन वेट, द चाइल्ड कैन नॉट। मैनी थिंग्स वी नीड कैन वेट बट चाइल्ड कैन नॉट। टू हिम वी कैन नॉट से टुमारो, हिज नेम इज़ टुडे, आज करना है, टुडे इज़ द डे, बिकॉज टुमारो नहीं, टुडे इज़ द डे, हिज नेम इज़ टुडे। सो इज़ द इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें अभी अपग्रेड्स की ज़रूरी है, एंड हिज नेम इज़ टुडे। सो लेट अस टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन। हैव यू एवर थॉट ऑफ वाई सम स्टेट्स इन इंडिया आर परफॉर्मिंग मच बेटर देन अदर्स इन सर्टेन एरिया? सी, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, दीज आर कर्नाटका, दीज आर डूइंग वेल। वाई डू पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रॉस्पर इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर? यहाँ पे बहुत अच्छा है, हिमाचल में क्लाइमेट भी होता है। हम ज्योग्राफी में देखा ना, ज्योग्राफी इज डेस्टिनी, द वर्ल्ड इज अ किल्न, वी आर द क्ले। वाई डू पंजाब, हरियाणा, हिमाचल ये प्रॉस्पर करते हैं? वाई आर महाराष्ट्र एंड गुजरात इंडस्ट्रियली इतना एडवांस्ड है? हाउ कम केरला, गॉड्स ओन कंट्री बोलते हैं इसे, इसने इतना अच्छा किया है लिटरेसी, हेल्थ केयर, सैनिटेशन एंड ऑल्सो इधर टूरिज्म भी बहुत अच्छा है केरला में। ज्योग्राफी हमने देखा, बैक वाटर, कयाल्स, दे आर वंडरफुल। वाई डज कर्नाटकाज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बेंगलुरु आप देखिए, IT इंडस्ट्री अट्रैक्ट्स वर्ल्ड अटेंशन, ऐसा क्यों है? इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दीज स्टेट्स हैव बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, सो दैट इज़ वाई इंफ्रास्ट्रक्चर होना अच्छी बात होती है। इन द एरिया दे एक्सेल देन अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया,
कुछ के पास बेटर इरिगेशन फैसिलिटी है, से पंजाब ने भाखड़ा नंगल डैम बना लिया, बेटर इरिगेशन फैसिलिटी हो गई। अदर्स हैव बेटर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हो गई। कुछ पोर्ट्स के पास में, जैसे ब्रिटिशर्स आए थे उन्होंने मुंबई, चेन्नई और इधर कोलकाता, ये क्यों इतना ज़्यादा आगे बढ़ गए? बिकॉज यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी डेवलप हो गई थी। नियर पोर्ट्स हैं, मार्केट यहाँ पर ईजिली है, रॉ मटेरियल यहाँ पर है। जोग्राफी अगेन, माइन्स हमने देखा था, दिस झारखंड उड़ीसा, दे आर ब्लेस्ड विद दिस माइन्स एंड मिनरल्स, बहुत ब्यूटीफुली यहाँ पे एनरिच्ड है। देन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एक्सेसिबल हैं, जैसे बेंगलोर, कर्नाटका, यहाँ मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई बिकॉज वर्ल्ड क्लास कम्युनिकेशन फैसिलिटीज यहाँ पर है। ये सारे होते हैं सपोर्ट स्ट्रक्चर, ये फैसिलिटेट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री को, और ये सारी चीज़ें बनाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। सो इंफ्रास्ट्रक्चर पे एम्फेसाइज इसलिए गवर्नमेंट, ऑल गवर्नमेंट, नॉट ओनली इंडियन गवर्नमेंट, पुट एम्फेसाइज ऑन दिस इंफ्रास्ट्रक्चर। हाउ देन डज इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट डेवलपमेंट? बिकॉज ये होता है तो डेवलपमेंट भी फॉलो होता है। लेट अस टॉक अबाउट दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, वॉट इज इंफ्रास्ट्रक्चर? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है सपोर्टिंग सर्विसेज, जो मेन एरियाज ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, डोमेस्टिक एंड फॉरन ट्रेड एंड कॉमर्स में ज़रूरी होती है। दीज सर्विसेज होती हैं जैसे कि रोड्स हुआ, रेलवेज, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, डैम्स, पावर स्टेशंस, ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस, टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब कहलाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। ये कंट्री का एजुकेशनल सिस्टम आप ले लो, स्कूल्स अच्छे हैं या नहीं है, कॉलेजेस अच्छे हैं, हेल्थ सिस्टम है, हॉस्पिटल, सैनिटरी सिस्टम, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, मॉनेटरी सिस्टम, बैंक्स एंड ऑल हैं, बिकॉज दीज आर ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छे बैंक्स हैं मतलब क्रेडिट फैसिलिटी होगी। हमने देखा था ना रूरल एरिया में नाबार्ड एंड रीजनल रूरल बैंक क्यों लेके आए थे हम। इंश्योरेंस है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये पूरा कलेक्टिवली बनाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। सम ऑफ दीज फैसिलिटीज़ का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में, कुछ का इनडायरेक्ट सपोर्ट होता है बिल्डिंग एंड सोशल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में भी। सो दीज आर कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे रोड्स आर द मिसिंग लिंक विद ग्रोथ। अब ये स्कूल्स हैं, अच्छे स्कूल्स हैं हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ एजुकेशन अच्छा इम्पार्ट हो रहा है और हमारे यहाँ ग्रोथ फिर बेटर होगा। सम डिवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर इन टू टू कैटेगरी। नाउ वी लव क्लासिफिकेशन, हम हर चीज़ को क्लासीफाई करने की कोशिश करते हैं, तो ये दो कैटेगरी बना दिया हमने, इकोनॉमिक और सोशल। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सब हो जाएंगे फॉर्मर कैटेगरी इकोनॉमिक में, और एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, ये सारे हो जाएंगे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं हमें। ओके, सो नाउ वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और इसकी कैटेगरी और क्या क्या इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब बात करते हैं इसका रेलेवेंस क्यों इतना ज़्यादा है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है ये डिपेंड करता है एफिशिएंट वर्किंग ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। आपको अगर बिजनेस भी करना है ना, आपको कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करना है, तो आपको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है और वो प्लेटफॉर्म होता है ये इंफ्रास्ट्रक्चर। मॉडर्न एग्रीकल्चर लार्जली डिपेंड्स होता है, देन स्पीडी एंड लार्ज स्केल ट्रांसपोर्टेशन, जैसे सीड्स हमें चाहिए। एक किसानी करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, सीड्स चाहिए, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र और एंड द प्रोड्यूस यूजिंग मॉडर्न रोडवे होना चाहिए, कनेक्टिविटी होना चाहिए। पंजाब में अभी हम देख रहे थे ना, हार्वेस्ट हो गया है बट उनको लेबर नहीं मिल रहा है और ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं मिल रही है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, तो ये भी एक बॉटलनेक हो गया। रेलवे की ज़रूरत होती है, शिपिंग फैसिलिटी चाहिए। रीसेंट टाइम पे जो एग्रीकल्चर है वो डिपेंड होता है, इंश्योरेंस भी बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वेदर की वैगरीज है। बैंकिंग फैसिलिटी चाहिए ताकि उनको लोन मिले सीड के लिए, एंड दिस किसान क्रेडिट कार्ड हमने पढ़ा था। सो बिकॉज ऑफ इट्स नीड टू ऑपरेट ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रीब्यूट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री में, बोथ बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी, द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ इट्स पीपल। सी, इतने अच्छे से ये पूरी एनसीईआरटी लिखी गई है, आई एम टेलिंग यू दिस अगेन एंड अगेन, इतना क्रिस्प है, लैंग्वेज इसकी इतनी रिफाइन है, अगर आप इन सब चीज़ों को पढ़ते रहेंगे ये ऑटोमेटिकली आपकी लैंग्वेज में आ जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट आप ये भाषा बोलने लग जाओगे। राइटिंग स्किल्स एंड ऑल एवरीथिंग, कंप्लीट पैकेज है ये एनसीईआरटी बुक्स, आई एम टेलिंग यू। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर कैन हैव मल्टीपल एडवर्स इफेक्ट ऑन हेल्थ, हेल्थ पे भी हो सकता है। इम्प्रूवमेंट इन वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, लार्ज इम्पैक्ट बाय रिड्यूसिंग दिस मॉर्बिडिटी, ये टर्म हमने अभी COVID-19 में देखा था ना, को मॉर्बिडिटी, इसका मतलब प्रोननेस टू फॉल इल, वोकैबुलरी अच्छी रखनी है। देन मेजर वाटरबॉर्न डिसीजेज हैं, रिड्यूसिंग द सीवियरिटी ऑफ डिसीजेज वैन इट अकर्स। एडिशन में ऑब्वियस लिंकेजेस हैं बिटवीन वाटर एंड सैनिटेशन एंड हेल्थ में, ये भी एक, क्योंकि ह्यूमन भी एक कैपिटल होता है, तो ह्यूमन भी हम कह सकते हैं, अगर अच्छा ह्यूमन कैपिटल है दैट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स सम इंफ्रास्ट्रक्चर।
क्वालिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये चीज़ें सारी हेल्थ केयर होती है। तो हेल्थ केयर भी एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। एयर पॉल्यूशन, सेफ्टी हैजार्ड्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन, ये अफेक्ट करते हैं मॉर्बिडिटी को, पर्टिकुलरली इन डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में। अब तो हमने ये समझा कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, कैटेगरी क्या होता है, टाइप क्या होता है, और इसका रेलेवेंस भी समझ लिया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं द स्टेट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, द स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। ट्रेडिशनली गवर्नमेंट हैज़ बीन सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द कंट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे कि ये डैम्स हैं, डैम्स को क्या हमने नाम दिया, टेम्पल्स ऑफ डेवलपमेंट डैम्स। सो गवर्नमेंट पहले ये सोचा कि गवर्नमेंट ही सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पुश करेगी, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम क्या देखेंगे, प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है, डिफरेंट डिफरेंट इनके डिपेंडिंग अपॉन पार्टनरशिप कि किसका कितना परसेंटेज है, उसके हिसाब से BOT मॉडल, BOT इस टाइप से बहुत सारे मॉडल्स भी बनेंगे। ये हमने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर इनएडिक्वेट है, सरकार अकेले इतना पैसा खर्च नहीं कर सकती है, तो हमने प्राइवेट सेक्टर को भी देखा। अभी सेल्फ रिलायंट इंडिया में हम बहुत सारे जो एयरपोर्ट्स एंड ऑल है इसको अभी यहाँ पे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में वर्क कर रहे हैं। बहुत सारे रेलवे स्टेशन में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में है, जैसे भोपाल में हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में है। सो इनएडिक्वेट टोटल टुडे द प्राइवेट सेक्टर बाय इटसेल्फ एंड ऑल्सो इन जॉइंट पार्टनरशिप पब्लिक सेक्टर में हैज़ स्टार्टेड प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। बहुत सारी रोड्स बनेंगी, महाराष्ट्र में आप देखो रोड्स बन रही हैं, देन बेंगलुरु हैदराबाद एयरपोर्ट्स एंड ऑल हम देखेंगे, GMR एंड ऑल, सब ये बन रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से। टेक्निकल प्रोग्रेस वर्ल्ड की बढ़ेगी, रूरल वुमेन हैं वो बायोफ्यूल्स यूज़ कर रही हैं, सच एज क्रॉप रेसिड्यू, डंग, फ्यूल वुड टू मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट। सो दिस इज़ अबाउट एनर्जी। ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है वाटर के लिए, बेसिक नीड्स के लिए। सेंसस 2011 में डेटा में बताया कि रूरल इंडिया में केवल 56% हाउस होल्ड के पास इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, जो कि अच्छी बात नहीं है, ये ज़्यादा परसेंटेज होना चाहिए। देन कैरोसिन पे अभी भी डिपेंडेंट है, 85% रूरल हाउस होल्ड बायोफ्यूल्स पे है, कुकिंग पे है। तो आगे हम देखेंगे उज्ज्वला योजना एंड ऑल क्यों गवर्नमेंट लेके आई कि LPG हर घर में मिलना चाहिए, दिस इज़ बेसिक नेसेसिटी। टैप वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है तो गवर्नमेंट की एक स्कीम भी है, नेम द स्कीम, पाइप्ड वाटर के लिए एक गवर्नमेंट स्कीम बनाई है। देन ओनली 31% रूरल हाउसहोल्ड्स हैं, 69% पॉपुलेशन ड्रिंक है, वेल बींग्स टैंक्स पॉन्ड्स लेक्स रिवर्स कैनाल्स है, सैनिटेशन इन रूरल एरिया वॉज ओनली 30%। अब टेबल में हमने देखा यहाँ पे वाइडली अंडरस्टूड है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ द फाउंडेशन ऑफ डेवलपमेंट। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ NCERT। NCERT से आपका एक प्लेटफॉर्म बन जाता है। अब इस पे करंट अफेयर्स एंड एक्स्ट्रा लर्निंग एंड ऑल यू हैव टू ऐड ऑन दिस, ओके। इससे एक प्लेटफॉर्म रेडी हो, प्लेटफॉर्म बनाना ज़रूरी होता है बिकॉज इससे एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। यहाँ पे ये लाइन लिखा है, इट इज़ वाइडली अंडरस्टूड दैट इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ द फाउंडेशन ऑफ डेवलपमेंट। अब इंडिया जागेगा और इनमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे हम, कि इंफ्रास्ट्रक्चर में हम बहुत आगे नहीं है, सो वी नीड टू डू बेटर। हमने बहुत सारे काम करेंगे, भारत निर्माण आएगा, स्पेशल पर्पस व्हीकल, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये जैसे बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र, ये मॉडल है PPP के, अलग अलग टाइप्स ऑफ मॉडल है रोड्स बनाने में एंड दिस, जैसे आप एयरपोर्ट्स एंड ऑल, इसमें बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र है, डिपेंडिंग अपॉन कि प्राइवेट और पब्लिक का कितना इसमें परसेंटेज इन्वॉल्व है और क्या क्या दोनों के रोल यहाँ पर डिफाइन किए गए हैं, ये ऐसे बन जाता है। देन चाइना एंड इंडोनेशिया से हम थोड़े पीछे हैं, फार बिलो हैं। सम इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि इंडिया विल बिकम द थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी इन अ वर्ल्ड इन अ फ्यू डेकेड्स फ्रॉम नाउ। पोटेंशियल इंडिया के पास बहुत है, बट वी नीड टू वर्क, अदरवाइज पोटेंशियल हमारा वेस्ट हो जाता है। देन इनकम राइजेज हैं, कंपोजिशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है। फॉर लो इनकम कंट्री में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज चाहिए, जैसे कि इरीगेशन, ट्रांसपोर्ट, पावर, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इकोनॉमिस्ट में हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए, एवरीथिंग इज़ अबाउट प्रायोरिटी। बिकॉज सपोज आपकी तनख्वाह 1,000 रुपये है, अब इस पैसे को आपको प्रायोरिटी के हिसाब से खर्च करना है कि पहली प्रायोरिटी क्या है, वहाँ पे हम ये पैसा लगाएं, बिकॉज पैसा अनलिमिटेड नहीं होता है हमारे पास। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हम प्रायोरिटी करते हैं, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है तो इसकी प्रायोरिटी डिफरेंट होगी। एग्रीकल्चर इन द इकोनॉमी श्रिंक हो रहा है, मोर सर्विस सेक्टर रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग इज रिक्वायर्ड बिकॉज वी ऑल्सो नीड टू डेवलप एम्प्लॉयमेंट। शेयर ऑफ पावर टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रेटर है हायर इनकम कंट्री में। तो डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट गो हैंड इन हैंड, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो इकोनॉमी भी बेटर होती है। एग्रीकल्चर डिपेंड करता है एडिक्वेट एक्सपेंशन में, डेवलपमेंट ऑफ इरीगेशन फैसिलिटी में भी।
इंडस्ट्रियल जो प्रोग्रेस है ये डिपेंड करती है डेवलपमेंट ऑफ पावर, इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है। हमने कॉटन टेक्सटाइल एंड ऑल में देखा था लोग डिपेंडेंट होते थे कि पावर कट नहीं होना चाहिए, पावर का कंटिन्यूस सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होना चाहिए। प्रॉपर अटेंशन इज नॉट पेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इट इज़ लाइकली टू एक्ट एज अ सीवियर कंस्ट्रेंट ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो दैट इज़ वाई हम अक्सर बोलते हैं इंडिया में क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटल नेक है, हमारे यहाँ सफिशियंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रोडवेज नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, पावर सप्लाई नहीं है, क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिलती है, स्किल्ड लेबर कई बार नहीं मिलता है, सो दिस इज़ अ बॉटल नेक। हम फोकस है दो काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में, एक है एनर्जी और दूसरा है हेल्थ। पहले एनर्जी की बात करते हैं, व्हाई डू वी नीड एनर्जी। एनर्जी ज़रूरी होती है काम करने के लिए, इन व्हाट फॉर्म्स इज इट अवेलेबल। एनर्जी क्रिटिकल एस्पेक्ट होता है, डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, एसेंशियल है इंडस्ट्रीज़ के लिए, लार्ज स्केल एग्रीकल्चर और रिलेटेड एरिया जैसे प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, फार्म इक्विपमेंट, इन सब के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। हाउस में कुकिंग, लाइटिंग, हीटिंग, इन सब के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। देन कमोडिटी और सर्विस विदाउट यूजिंग एनर्जी, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट हमको लाइफ भी चलाने के लिए, ह्यूमन बीइंग को भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अपनी मेंटल पीस रखने के लिए हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी चाहिए। नेगेटिव एनर्जी ड्रेन आउट कर देगी आपको, पॉजिटिव एनर्जी आपको हेल्प करेगी, मोटिवेट करेगी, आगे बढ़ाएगी। सो एवरीथिंग, हर चीज़ के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। जैसे ये बुलक कार्ट है, ये क्रूशियल रोल है रूरल ट्रांसपोर्टेशन मार्केट में। सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या हो सकते हैं, ज्योग्राफी की माने तो एक ही सोर्स ऑफ एनर्जी है, दैट इज़ कॉल्ड सन। बट हम इसको सन से डिराइव्ड बहुत सारी एनर्जी देखते हैं, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, ऐसे कमर्शियल, नॉन कमर्शियल हो सकती है। कमर्शियल बेसिस पे है, जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है, ये इलेक्ट्रिसिटी सोल्ड हो रही है, दिस इज़ कमर्शियल। फ्यूल, वुड, एग्रीकल्चर, वेस्ट एंड ड्राइड डंग है, दिस इज़ नॉन कमर्शियल। देन नॉन कमर्शियल इज दे आर फाउंड इन नेचर एंड फॉरेस्ट है, तो इनका कमर्शियलाइजेशन नहीं है। और इधर कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, प्रॉपर कंपनी है, सेलिंग, परचेजिंग हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, बिल्ड कर रहे हैं इसे, प्रोड्यूस कर रहे हैं, सो दिस इज़ अ कमर्शियल थिंग, दिस इज़ नॉन कमर्शियल थिंग। देन जनरली एग्जॉस्टेबल भी हो सकती है, जैसे हाइड्रो पावर नहीं, एग्जॉस्टेबल मतलब वो ह्यूमन लाइफ हमारी छोटी सी रहती है, इस पीरियड में या ह्यूमन सिविलाइजेशन में वो रिप्लेनिश नहीं हो पाएगी, तो उसको हम बोलते हैं एग्जॉस्टेबल। बट जैसे विंड है एंड ऑल है, सन है, ये नॉन एग्जॉस्टेबल है। तो रिन्यूएबल भी बोला जाता है यहाँ पे, नॉन कमर्शियल सोर्सेज जनरली रिन्यूएबल भी हो सकते हैं। देन 60% इंडियन हाउस होल्ड्स डिपेंड करते हैं ट्रेडिशनल सोर्सेज पे रेगुलरली कुकिंग एंड हीटिंग नीड्स में। जैसे यहाँ पे देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, फ्यूल, वुड मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, ऐसे लकड़ी के ये यहाँ पे ले रहे हैं। अब नॉन कन्वेंशनल में क्या हो सकता है, कमर्शियल, नॉन कमर्शियल कुछ भी हो सकता है, बट ये नॉन कन्वेंशनल है। कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर नोन एज कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। टर्म होता है ना कन्वेंशनल, दिस इज़ कन्वेंशनल थिंग, दिस इज़ नॉन कन्वेंशनल थिंग, इट इज़ रिलेटेड टू दैट। तीन अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं कॉमनली टर्म्ड एज नॉन कन्वेंशनल, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और टाइडल एनर्जी, इनको नॉन कन्वेंशनल कहा है। इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री है, ज्योग्राफी अगेन NCERT क्लास 9th, इंडिया ये हमने पढ़ा था, इक्वेटर है ऊपर, यहाँ पे 23.5 डिग्री पे क्या है, और 23.5 डिग्री, दिस इज़ कैंसर, दिस इज़ कैप्रिकॉन, और इंडिया कहाँ पर है, इसकी लोकेशंस भी हमने देखी थी, रीड NCERT, दीज आर वेरी गुड पॉइंट्स। 8 डिग्री से लेके 37 डिग्री तक है, फिर ये 67, 97, सो रिमेंबर दिस थिंग, ओके, कोऑर्डिनेट्स एंड ऑल। ट्रॉपिकल कंट्री है, ऑलमोस्ट अनलिमिटेड पोटेंशियल है, तभी हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस करंट अफेयर्स में, सो दिस इज़ द ब्यूटी, दिस इज़ द प्लेटफॉर्म, नाउ यू हैव टू पुट एडिशनल इन्फॉर्मेशन करंट अफेयर्स एंड ऑल, ओके। सो ये अनलिमिटेड पोटेंशियल है, तीन टाइप की एनर्जी, इफ़ सम अप्रोप्रिएट कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड, चीपर टेक्नोलॉजी कैन बी डेवलप्ड, सो दिस इज़ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जो टिपिकली इतना ज़्यादा कन्वेंशनल नहीं है। सोलर एनर्जी के बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट्स हैं इंडिया के पास, वाई, बिकॉज इंडिया यहाँ पे ट्रॉपिक सोलर पावर हम काफ़ी ब्लेस्ड हैं। विंड मिल भी एक सोर्स ऑफ जनरेटिंग पावर होता है, ये ऐसे बड़े बड़े विंड मिल होते हैं, पवन चक्की बोलते हैं ऐसे हिंदी में। द कंजम्पशन पैटर्न ऑफ कमर्शियल एनर्जी हम देखें तो 74% है टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन इंडिया है कमर्शियल से। कोल और लिग्नाइट ये सबसे बड़ा शेयर है, कोल से थर्मल पावर स्टेशन होते हैं, बिजली पैदा होती है। ऑयल से 10% है, नेचुरल गैस भी है, हाइड्रो भी है, ये रिन्यूएबल 7% भी है। नॉन कमर्शियल एनर्जी के सोर्सेज होते हैं फायरवुड, काउडंग, एग्रीकल्चर वेस्ट, ये करीब 26% बनते हैं टोटल एनर्जी कंजम्पशन के। क्रिटिकल फीचर है इंडियाज़ का एनर्जी सेक्टर जो है, इसके लिंकेजेस इकोनॉमी से,
इम्पोर्ट डिपेंडेंस है। हम इम्पोर्ट क्या करते हैं, क्रूड और पेट्रोलियम सऊदी से, और इधर से हम अरेबियन कंट्रीज से, गल्फ कंट्रीज से क्रूड एंड पेट्रोलियम ऑयल काफ़ी लेते हैं। यूएसए के पास शेल गैस के रिज़र्व, शेल ऑयल के रिज़र्व भी हैं। अभी हमने देखा था ऐसे एक करंट अफेयर्स में कि इनकी प्राइस इतना ज़्यादा प्लमेट क्यों हो रही है, बिकॉज डिमांड एंड सप्लाई में मिसमैच हो रहा है, विच इज़ लाइकली टू ग्रो रैपिडली इन द नियर फ्यूचर। सेक्टोरल पैटर्न कंजम्पशन का देखें तो ये फिगर टेबल 8.2 में हम देखते हैं, देयर हैज़ बीन कंटिन्यूस फॉल इन द शेयर ऑफ ट्रांसपोर्ट सेक्टर, शेयर्स ऑफ हाउसहोल्ड, एग्रीकल्चर एंड अदर्स हैव बीन इंक्रीजिंग। सी दीज आर द पैटर्न, एक ट्रेंड हमें देखना चाहिए, अगर हम एग्जैक्ट फिगर्स भी डेटा नहीं याद रखना है, हमें एक बस पैटर्न पता होना चाहिए कि हम किस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। देन हाईएस्ट अमंग ऑल है करस्पॉन्डिंग इंक्रीज हमारा एनर्जी, तो एनर्जी भी जो कंजम्पशन है ना वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होता रहता है, अभी भी हम एक ट्रांजिशन फेज में हैं। पावर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो एनर्जी में आइडेंटिफाइड है मॉडर्न सिविलाइजेशन। एक इकोनॉमिस्ट ऐसा मानते हैं कि जितना ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है ना, मतलब कंट्री उतना ही ज़्यादा प्रोग्रेस हो रहा है। बिकॉज प्रोग्रेस को हम इंडिकेट कैसे करें, एक फैक्टर देखा हमने से जीडीपी देख लेते हैं, जीएनपी देख लेते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देख लेते हैं। तो इकोनॉमिस्ट हमेशा पैरामीटर ढूंढते हैं कि इनडायरेक्टली हम कैसे मेजर करें इसको, इकोनॉमी को। तो उसके लिए हम एक ये पैरामीटर भी लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड दिस इलेक्ट्रिसिटी, कि कितना पावर कंजम्पशन है। अगर कंट्री का पावर कंजम्पशन अच्छा है, मतलब कंट्री प्रोग्रेस कर रही है, पावर कंजम्पशन कम है मतलब प्रोग्रेस कम है। तो इलेक्ट्रिसिटी से भी हम इनडायरेक्टली गेज करते हैं प्रोग्रेस को, डिटरमाइन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। अब जो ग्रोथ रेट है डिमांड का फॉर पावर जनरली हायर देन जीडीपी ग्रोथ रेट होता है, स्टडीज़ ने दिखाया है 8% जीडीपी ग्रोथ रेट पर एनम है, तो सप्लाई नीड अराउंड 12% एनुअली है। यूज़ दिस आर्ग्यूमेंट कि जो पावर जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है ग्रोथ ऑफ दिस जीडीपी को भी। थर्मल सोर्सेज 82% है, देन हाइडल 8.5% है, न्यूक्लियर करीब 2.5% है, सोलर हाइडल विंड भी है, हम फॉसिल फ्यूल्स पे भी है, डू नॉट रिलाय, अवॉइड कार्बन इमिशन। वाई, बिकॉज ये जो फॉसिल फ्यूल होते हैं इससे बनती है दिस ग्रीन हाउस गैसेज एंड ऑल, और ये काफ़ी ग्लोबल वार्मिंग भी होती है और पॉल्यूशन भी होता है इनसे, सो रिजल्टेड इन फास्टर ग्रोथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दीज सोर्सेज। एटॉमिक एनर्जी में भी हमने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, एट प्रेजेंट न्यूक्लियर एनर्जी केवल हमारे यहाँ ऑल्दो 2.5% कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है, बट ये भी एक प्रॉमिसिंग सोर्स हम मानते हैं इसे। हमने इसके काफ़ी सारे थर्मल पावर प्लांट्स भी हैं हमारे यूएस की हेल्प से, देन हमने रशिया के थ्रू भी बनाया है कुंडनकुलम एंड ऑल, ओके। सो दीज आर दिस हाइडल पावर स्टेशन, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, थर्मल, हाइड्रो, न्यूक्लियर, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। देन यहाँ पे हम बात करें ग्लोबल एवरेज 13% है, दिस इज़ फार टू लो। सम स्कॉलर सजेस्ट करते हैं कि टू जनरेट मोर इलेक्ट्रिसिटी थ्रू एटॉमिक न्यूक्लियर एनर्जी एंड येट अ फ्यू अदर ऑब्जेक्ट अबाउट दिस व्यू पॉइंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। न्यूक्लियर में एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, अगर कोई डिजास्टर हो गया देन बहुत कॉस्टली पड़ता है, हमने चेरनोबिल एंड देन फुकुशिमा जापान भी देखा था, कई बार यहाँ रिस्क फैक्टर ज़्यादा है यहाँ पे। देन सम चैलेंजेस इन द पावर सेक्टर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वेरियस पावर स्टेशन पे, इज नॉट कंज्यूम्ड एंटायरली बाय अल्टीमेट कंज्यूमर, पार्ट इज़ कंज्यूम्ड बाय पावर स्टेशंस ऑक्सिलरी के थ्रू होता है। ये क्या करते हैं, ये ट्रांसमिट करते हैं पावर को, पोर्शन जो होता है ये ट्रांसमिशन लॉस में होता है, जैसे आप अगर फील्ड में जाओ तो आप देखते हो बड़े बड़े टावर्स रहते हैं और ये ऐसे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन हो रहा है, तो ट्रांसमिशन पे भी इलेक्ट्रिसिटी के लॉसेस भी होते हैं। हाउसेज, ऑफिस, फैक्ट्रीज में जो आता है दैट इज़ नेट अवेलेबिलिटी। चैलेंजेस इंडिया के पास क्या हैं पावर सेक्टर में, इंडिया में पावर सेक्टर भी कुछ यहाँ पे स्ट्रगल है यहाँ पे। अभी सेल्फ रिलायंट इंडिया में हमने डिस्कॉम्स और इससे रिलेटेड बात किया था, इससे पहले हमने बात किया था कि इन पावर सेक्टर के रिवाइवल के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स ले रही है। इंडिया ने इंस्टॉल किया कैपेसिटी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट सफिशिएंट टू फीड द हाई इकोनॉमिक ग्रोथ, इलेक्ट्रिसिटी का बॉटलनेक है। इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी इंडिया कमर्शियल एनर्जी सप्लाई नीड टू ग्रो एट अबाउट 7%। अभी हम एबल हैं ओनली 20,000 मेगावाट ईयर के, विच इज़ लेस। इंस्टॉल कैपेसिटी अंडर यूटिलाइज्ड है, प्लांट्स आर नॉट रनिंग प्रॉपरली, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी और इनको लॉस हो जा रहा है अराउंड 20,000 करोड़ का। दिस इज़ ड्यू टू ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन में लॉसेज होता है, डिस्ट्रीब्यूशन में लॉसेज होता है, रॉन्ग प्राइसिंग मैकेनिज्म हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, और इनकी इनएफिशिएंसी भी होती है। कई बार ये हम ऐसी बात देखते हैं बिजली चोरी हो रही है, बिल बकाया नहीं पे हो रहा है, इससे ये कंपनीज लॉस में चली जाती है। तो एक सरकार लेके आई थी उज्ज्वल, जिस उदय
डिस्कॉम अश्योरेंस योजना दिस ये लेके आई थी ताकि इन जो डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज़ है इनको भी हम रिवाइवल कर सकें। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, फार्मर्स भी एक मेन रीज़न है बिकॉज फार्मर्स को कई बार सब्सिडाइज वे में मिल जाता है या फिर फ्री कनेक्शन देने को हो जाता है गवर्नमेंट कई बार, बिकॉज इकोनॉमी में हमने देखा गवर्नमेंट कई बार क्या करती है पॉपुलर मेजर्स लेती है, पॉपुलिस्ट मेजर्स लेती है, और वो जो पॉपुलिस्ट मेजर्स होते हैं वो इकोनॉमी की हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते। जैसे कई बार किसान माफ़ी, किसान कर्ज माफ़ हो जाता है, फ्री में इलेक्ट्रिसिटी हो जाती है, लोन माफ़ हो जाते हैं, तो ये बैंकिंग जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है ये एक हिट होता है। यहाँ पर मेकिंग अ डिफरेंस में ये थाने सिटी का एग्जाम्पल दिया है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली मैकओवर किया है यहाँ पे, सरकारी ऑफिस भी हम आगे देखेंगे BEEE रेटिंग और इस टाइप से एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग से बनाते हैं। हमारे घर पे भी ऐसा डिज़ाइन करना चाहिए कि कम बिजली में हम लाइक जैसे उजाला सन की लाइट आ रही है या इस टाइप से हमें कोशिश करनी चाहिए कि मिनिमम हम यहाँ पर बिजली का खपत हो, हम उसको यूटिलाइज़ करें। पावर डिस्ट्रीब्यूशन केस जैसे दिल्ली में ये दिल्ली स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड विद्युत बोर्ड एंड ऑल ये दिखाया है कि इनएफिशिएंसी जो ये तीन चार पैरामीटर है ना ये बहुत ज़्यादा ट्रबल है दिस डिस्कॉम सेक्टर, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन रॉन्ग प्राइसिंग इनएफिशिएंसी और कलेक्शन नहीं हो रहा है प्रॉपर, तो ये लॉस मेकिंग हो जाती है। इलेक्ट्रिसिटी स्टोलन भी एक बहुत बड़ा, ये चोरी होती है डिफरेंट एरिया में, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होती है, प्राइवेट सेक्टर पावर जनरेटर्स आर येट टू प्ले देयर रोल इन अ मेजर वे। इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की भी हमें सम इज़ द केस विद फॉरेन इन्वेस्टर्स भी है, प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो हैं सेक्टर पावर जनरेटर है इनका इतना अच्छा रोल नहीं है। देर इज़ जनरल पब्लिक अनरेस्ट है ड्यू टू बिजली बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है, देन प्रोलॉन्ग पावर कट भी होते हैं, अक्सर घंटों तक बिजली नहीं आ रही है डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में, इससे क्या होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी हॉल्ट हो जाएगी। थर्मल पावर प्लांट है, मेनस्टे है इंडिया का पावर सेक्टर का, और यहाँ क्या प्रॉब्लम आती है कई बार कोल सप्लाई यहाँ पे सफिशिएंटली नहीं होती, तो दैट इज़ वाई सेल्फ रिलायंट इंडिया में कोल माइनिंग में भी हमने बिग बिग चेंजेस किए हैं। रीड दिस NCERT एंड रीड SRI सेल्फ रिलायंट इंडिया इनिशिएटिव्स एज वेल, दोनों कलेक्टिवली दे आर मेकिंग अ कंप्लीट, काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो रही है। कोल में भी हमने जो माइनिंग्स एंड ब्लॉक्स हैं इसमें अभी काफ़ी चेंजेस किए हैं, कोल माइनिंग्स एंड डेवलपमेंट एंड ऑल में यूजेज पॉलिसी भी चेंज हुआ है। तो कंटिन्यूड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए हमें डिमांड एनर्जी की फास्टर है, हमें प्रोडक्शन भी उसको मैच करना पड़ेगा, इंडिया जो प्रोड्यूस करेंटली कर रही है उससे कहीं ज़्यादा हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, डेवलपमेंट एफर्ट, एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, ये एश्योर करेंगे एडिशनल सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की, क्योंकि एक और चीज़ है सस्टेनेबल होना भी ज़रूरी है। इन्वेस्टिंग इन द पावर सेक्टर, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, गवर्नमेंट हैज़ गॉन फॉर प्राइवेटाइजेशन ऑफ पावर सेक्टर भी हुआ है, देन मच हायर प्राइसेस फॉर इलेक्ट्रिसिटी दैट हैव इम्पैक्टेड सर्टेन सेक्टर्स वेरी बैडली, बिकॉज ये प्राइवेट सेक्टर अपना ज़्यादा प्राइस भी बढ़ जाता है, इससे सब्सिडाइज भी नहीं होता है, तो इससे कंज्यूमर को प्रॉब्लम होता है। सो डू यू थिंक इट इज़ अ राइट पॉलिसी कि जो गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन इतना करने की कोशिश कर रही है इकोनॉमिस्ट वे में, इज इट अ गुड पॉलिसी? बिकॉज गवर्नमेंट और इकोनॉमिस्ट ऐसा बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन से एफिशिएंसी ज़्यादा आ जाएगी। हमने शुरुआत में पढ़ा था डिस इन्वेस्टमेंट क्यों गवर्नमेंट करने का ट्राई करती है, देन दिस इज एक्सरसाइज, डिस्कस करें पॉइंट्स एंड डिस्कस करें कि सेव इलेक्ट्रिसिटी करना क्यों ज़रूरी है, एनर्जी हमें एफिशिएंट होना चाहिए, वेस्टेज ऑफ एनर्जी नहीं होना चाहिए, जैसे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए वैसे एनर्जी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। नाउ दिस इज़ हेल्थ, हेल्थ इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप हेल्दी हो तो ही सब काम कर पाओगे, अगर हेल्दी नहीं हो तो जान ही नहीं है तो फिर जहान भी नहीं रहेगा। सो हेल्थ इज़ नॉट ओनली एब्सेंस ऑफ डिसीज बट ऑल्सो द एबिलिटी टू रियलाइज वन पोटेंशियल। हेल्थ में हम देखते हैं जैसे बच्चों का हेल्थ में हम देखते हैं से हम इसमें चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग एंड ऑल हमने इनिशियल क्लासेस में पढ़ा 9th and 10th में वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। सो हेल्दी अगर किड्स होते हैं, हेल्दी अगर वर्क फोर्स होती है तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और एफिशिएंसी बढ़ जाती है और वो पूरा पोटेंशियल अपना रियलाइज़ कर पाएंगे। सो दैट इज़ वाई गवर्नमेंट वेलफेयर में और हेल्थ केयर में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करती है और इसे और बढ़ाना चाहिए, अभी 5% से ज़्यादा बढ़ाने की डिमांड हो रही है इन बैकड्रॉप ऑफ COVID-19 ऑफ GDP। ये यार्डस्टिक है वंस वेलबिंग का, जैसे USA में हेल्थ केयर देखो दे आर काफ़ी अच्छा माना जाता है, यूरोप का अच्छा माना जाता है, ऑल्दो COVID-19 ने सब ओवरवेलम कर दिया है उन्हें। हेल्थ इज़ द होलिस्टिक प्रोसेस है रिलेटेड टू द ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, हेल्थ इज़ प्रायोरिटी, रिमेंबर दिस। टू द 20th century हैज़ बीन अ ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन इन ह्यूमन हेल्थ अनमैच्ड इन
history. It may be difficult to define the health status of a nation in terms of single set of measure. तो again economist की problem continue है कि हम measure कैसे करें किसी भी चीज़ को. ये कुछ हद तक intangible चीज़ें भी होती है. Generally scholars assess करते हैं people का health का by taking into account indicators जैसे कि इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट क्या है, मैटरनल मोर्टैलिटी रेट क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, न्यूट्रिशन लेवल कितना है. ये इनके प्रेजेंट फिगर्स आप बताइए अभी राइट नाउ इंडिया में आईएमआर फिगर क्या है, एमएमआर फिगर क्या है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है. ये काफ़ी पहले से बेटर हो गए बट अभी भी उतने अच्छे नहीं है. ये हम प्रीवियस क्लासेस में देखा था हमने. कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज के कितने इंसिडेंसेस हो रहे हैं. ये पूरा हेल्थ केयर है ना, ये पोस्ट कोविड 19 में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है. तो डेवलप अ वेरी गुड इंसाइट. अभी हमने काफ़ी लेसन्स सीखे हैं कोविड 19 के बैकड्रॉप में. हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंश्योर करता है कंट्री को हेल्दी मैन पावर और गुड्स होगा. ओके, सो इन रीसेंट टाइम स्कॉलर्स आर्ग्यू करते हैं पीपल आर एंटाइटल्ड टू हेल्थ केयर फैसिलिटी. ये एक फंडामेंटल राइट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू एंश्योर द राइट ऑफ हेल्दी लिविंग. हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में हॉस्पिटल्स होने चाहिए, हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स होने चाहिए, डॉक्टर टू पेशेंट रेशो भी अच्छा होना चाहिए. नर्सेज, पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स, बेड्स, इक्विपमेंट्स, हॉस्पिटल्स ये वेल डेवलप्ड होने चाहिए. फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्री आपको सपोर्ट होना चाहिए. इंडिया को हम क्या बोलते हैं, फार्मेसी ऑफ दिस साउथ एशिया, फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड भी बोलते हैं, फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्री. इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट मेयर प्रेजेंस ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट सफिशियंट टू हैव हेल्दी पीपल बिकॉज मेंटल हेल्थ बींग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. द सेम शुड बी एक्सेसिबल टू ऑल पीपल. और हेल्थ केयर ऐसा होना चाहिए कि वो अफोर्डेबल भी होना चाहिए प्लस एक्सेसिबल भी होना चाहिए. इनिशियल स्टेज ऑफ प्लान डेवलपमेंट में पॉलिसी मेकर्स ने कहा कि नो इंडिविजुअल शुड फेल टू सिक्योर मेडिकल केयर, क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव. क्यूरेटिव मतलब बीमार हो गया उसको ठीक करना है, प्रिवेंटिव मतलब बीमारी से बचाने के लिए. बिकॉज ऑफ द इनएबिलिटी टू पे फॉर इट, ये कमी के कारण कभी ऐसा नहीं होना चाहिए. बट आर वी एबल टू अचीव दिस विजन? बिफोर वी डिस्कस वेरियस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लेट अस डिस्कस द स्टेटस ऑफ हेल्थ इन इंडिया. सी, ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज स्टिल लैकिंग इन लार्ज पार्ट्स ऑफ द कंट्री. अब स्टेट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है टू गाइड एंड रेगुलेट ऑल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, जैसे कि मेडिकल एजुकेशन, एडल्टरेशन ऑफ फूड, फूड में मिलावट है, ड्रग्स हैं, पॉइजनिंग हो जाती है, मेडिकल प्रोफेशनल, वाइटल स्टैटिस्टिक्स जैसे मेंटल डेफिशिएंसी एंड लूनेसी, ये सारी जो चीज़ें हैं ये गवर्नमेंट का ऑब्लिगेशन है कि वो इन सबको प्रॉपरली रेगुलेट करे और इसको मेंटेन भी करे. यूनियन गवर्नमेंट इवॉल्व करती है ब्रॉड पॉलिसीज एंड प्लान्स थ्रू द सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. गवर्नमेंट पॉलिसीज और प्लान्स बनाती है, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट यहाँ पे अटेंशन पे करती है. कलेक्ट करेगी इन्फॉर्मेशन, रेंडर फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू स्टेट गवर्नमेंट. यूटी और जो दूसरी बॉडीज़ हैं ये इम्प्लीमेंटेशन करती हैं इंपॉर्टेंट हेल्थ प्रोग्राम्स का कंट्री में. इंडिया में एक वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैन पावर है एट डिफरेंट लेवल. अब इसमें हम इनका क्लासिफिकेशन देखते हैं. एक होता है पीएचसी. पीएचसी क्या होता है? प्राइमरी हेल्थ सेंटर. ये मतलब जैसे हम छोटी छोटी अपने दिस मोहल्ले में हो गए हैं या फिर बेसिक जो हेल्थ केयर की फैसिलिटी होती है वो यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है. सो दैट इज़ वाई इनको बोलते हैं प्राइमरी. ये हॉस्पिटल्स आर मैन्ड बाय प्रोफेशनल्स, पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स ट्रेन्ड इन मेडिकल फार्मेसी एंड नर्सिंग कॉलेज. तो इंडिया में लार्ज नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स हैं रन बाय वॉलंटरी एजेंसीज एंड द प्राइवेट सेक्टर. इंडिपेंडेंस में सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन हुआ है आफ्टर इंडिपेंडेंस. फिजिकल प्रोविजन, हेल्थ सर्विसेज हमने ग्रोथ किया है बट दैट इज़ नॉट सफिशिएंट. द पॉइंट इज दैट इज़ नॉट सफिशिएंट. हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज आ गई हैं, इतने नंबर्स इसके इंक्रीज हो गए हैं. नर्सिंग पर्सनल भी बढ़ गया है, दिस एलोपैथिक डॉक्टर भी हो गए बिकॉज एक हमको और भी पता है एक आयुष भी होता है यहाँ पे. ओके, देन दिस इज एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है. इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स, ये बिग अचीवमेंट है हमारा. गीनिया वर्म्स एंड नियर इरेडिकेशन ऑफ पोलियो एंड लेप्रोसी एज वेल, दीज आर अवर हाईलाइट्स एंड दीज आर सर्टेन नंबर. सी, काफ़ी इंप्रूवमेंट है हमारा इन सब आइटम्स में. ये क्या है? पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर. इसमें क्या क्या आता है? हॉस्पिटल, बेड्स, डिस्पेंसरी, प्राइमरी हेल्थ केयर, सब सेंटर एंड दिस सीएचसी. नाउ ये है प्राइवेट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर. प्राइवेट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूव हुआ है काफ़ी. स्टडी बताती है 70% ऑफ द हॉस्पिटल्स इन इंडिया आर रन बाय द प्राइवेट सेक्टर. इनका भी रेगुलेशन इज़ इम्पॉर्टेंट. 60% डिस्पेंसरीज आर रन बाय सम प्राइवेट सेक्टर्स.
ये हेल्थ केयर करीब 80% ऑफ आउट पेशेंट्स एंड 46% ऑफ इन पेशेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर डोमिनेंट रोल है, मेडिकल एजुकेशन ट्रेनिंग, मेडिकल टेक्नोलॉजी, डायग्नोस्टिक, मैन्युफैक्चरिंग, सेल ऑफ फार्माक्यूटिकल, हॉस्पिटल्स, प्राइवेट सेक्टर का भी काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सी बात ये होती है कि गवर्नमेंट अलोन के लिए सारे काम नहीं कर सकती, तो एक अच्छी इकोनॉमी में गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों का एक हेल्दी बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे ये हेल्थ सिस्टम इन इंडिया में वेरी गुड पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी में केयर में इंक्लूड होता है जैसे एजुकेशन, हमने कई बार देखा आंगनवाड़ी एंड ऑल, इनका भी बहुत अच्छा रोल है। आशा वर्कर्स हम देखते हैं, इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एजुकेशन कंसर्निंग प्रिवेलिंग हेल्थ में प्रॉब्लम मेथड आइडेंटिफाई करना, इनिशियल फर्स्ट एड देते हैं ये, प्रिवेंटिंग कंट्रोलिंग देम, प्रमोशन ऑफ फूड सप्लाई, न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ एंड ऑल का इन्हें समझाना सिखाना, आयरन फॉलिक इनकी टैबलेट्स एंड ऑल प्रोवाइड होता है, एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर, बेसिक सैनिटेशन के लेक्चर्स हैं, मटर्नल एंड चाइल्ड हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है वो प्रोवाइड करते हैं, इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट मेजर इन्फेक्शियस डिसीजेज इंजरीज़ में प्रमोशन करते हैं, मेंटल हेल्थ का एंड एसेंशियल ड्रग्स का भी। तो ये बेसिकली प्राइमरी चीज़ें पूरा इनका है और इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है, आई एम टेलिंग यू। हर चीज़ के लिए हमें टर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत सारी चीज़ों के लिए डोर टू डोर जाने के लिए ये पीएचसी जो है प्राइमरी हेल्थ केयर है, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। देन ये ऑक्सिलरी नर्सिंग वाइफ होती हैं, मिडवाइफ हैं, दे आर फर्स्ट पर्सन होते हैं टू प्रोवाइड प्राइमरी हेल्थ केयर इन रूरल एरिया। ये पीएचसी इनको ट्रेनिंग दी जाती है, देन स्मॉल टाउन्स में ये वर्क कर रहे हैं, सिंगल डॉक्टर भी होता है यहाँ पे एंड लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन जो है ये प्रोवाइड करा सकते हैं, ये बनाते हैं पीएचसी। फिर आता है सीएचसी, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स एंड ऑल भी हैं यहाँ पे, सब सेंटर्स भी हैं। द होल आइडिया इज़ कि स्मॉल लेवल पे जो छोटी मोटी बीमारियां हैं और छोटी मोटी जो अच्छी चीज़ें हैं, अच्छे हैबिट्स बनाना है एंड ऑल, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन करना है, वो सारा काम इन पीएचसी सीएचसी के थ्रू हो जाएगा। देन कंडीशन ऑफ अ पेशेंट इज़ नॉट मैनेज्ड बाय पीएचसी। फिर अगर जैसे कोई बड़ी समस्या है, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको सेकेंडरी और टर्जरी हॉस्पिटल्स में रेफर कर दिया जाता है। तो दिस इज़ द वे, स्टेप वाइज स्टेप है यहाँ पे, ये पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप, तीसरा, तो ऐसे करके फिर स्पेशलिटी बाद में आता है। जब सेकेंडरी और टर्जरी है यहाँ पे से और बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, सर्जरी, एक्सरे, ईसीजी है ना, इनमें सेकेंडरी में हो गया हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस में, सो दे फंक्शंस बोथ एज प्राइमरी हेल्थ केयर एंड बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटी है डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी ऑफ दिस डिसीज़। दे आर मोस्टली लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और बड़े टाउन में है ये। एडवांस लेवल इक्विपमेंट्स हैं, मेडिसिन हैं, देन कॉम्प्लिकेटेड हेल्थ केयर है एंड ऑल है, देन प्राइमरी सेकेंडरी हॉस्पिटल के बाद यहाँ पे आता है। फिर जो टॉप पे आते हैं वो आते हैं टर्जरी, ये आते हैं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जैसे एक कैंसर का एक बड़ा हॉस्पिटल है इंडिया में काफ़ी सारे। सो द टर्जरी सेक्टर ऑल्सो इंक्लूड मैनी प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स, ये क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन कंडक्ट रिसर्च एंड ऑल्सो प्रोवाइड स्पेशलाइज हेल्थ केयर। तो जैसे स्कूल्स भी है ना, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, हायर स्कूल, फिर यूनिवर्सिटी होती है, फिर बहुत बड़े टॉप कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऐसे हेल्थ केयर में भी स्टेप बाई स्टेप है आगे। टर्जरी सेक्टर में मैनी प्रीमियर हैं यहाँ पे और वो रिसर्च एंड ऑल भी देते हैं, जैसे कि एम्स, एम्स बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है हमारे यहाँ, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है। देन चंडीगढ़ में है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पौंडीचेरी में, दीज आर सम वेरी बिग नेम। तो दीज आर स्पेशलिस्ट, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड दिस टर्जरी हेल्थ केयर। एक टर्म आता है मेडिकल टूरिज्म, टूरिज्म के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, एडवेंचर टूरिज्म हो सकता है, रिक्रिएशनल हो सकता है, दिस पिलग्रिमेज के लिए जा रहे हैं आप, और एक मेडिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेडिकल टूरिज्म है। टूरिज्म मतलब यू आर मूविंग टू सम फॉरेन कंट्री टू हैव समथिंग, टू गेट सम सर्विस, ये मेडिकल टूरिज्म है। मतलब बाहर से कोई इंडिया आएगा अपना हेल्थ केयर इलाज कराने के लिए, सर्जरी, लिवर ट्रांसप्लांट, डेंटल एंड इवन कॉस्मेटिक केयर। मैं आपको यूएसए में बताऊंगा, इतना महंगा है यहाँ पे, कोई भी अगर आप बीमार होते हो तो बहुत बहुत कॉस्टली पड़ता है वो, और वो इंडिया में बहुत कम प्राइस में वो काम हो जाता है। तो काफ़ी लोग इंडिया में आते हैं, काफ़ी सारे आप सऊदी एंड इधर से देखोगे अरब कंट्री के लोग इंडिया में आते हैं अपना इलाज कराने के लिए। इंडिया का हेल्थ केयर सर्विसेज लेटेस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजी भी है, क्वालिफाइड प्रोफेशनल भी है, और सबसे अच्छी बात है ये सस्ता भी बहुत पड़ता है, कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है, जितना प्लेन का टिकट नहीं पड़ा उसमें आप यहाँ पे इलाज करा के आ जाओगे। सो दिस फिगर इज़ लाइकली टू इंक्रीज़। तो ये एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम बन गया है फॉरेन करेंसी अर्न करने का हमारे लिए। इसका नाम क्या है? मेडिकल टूरिज़्म। ये बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है, 500 बिलियन रुपी, ये काफ़ी मेडिकल टूरिज़्म है यहाँ। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है मेडिकल सर्विसेज एंड ऑल्सो, अभी हम ये सब क्या देख रहे हैं, दीज आर इंफ्रास्ट्रक्चर,
मेडिकल एंटरप्राइजेज हैं 22 लाख पीपल, देन सिंगल पर्सन ओन ऑपरेटेड बाय वन पर्सन ओकेजनली एम्प्लॉइंग अ हायर्ड वर्कर. स्कॉलर्स पॉइंट आउट करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया हैज़ ग्रोन इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी मेजर रेगुलेशन. सम प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स आर नॉट इवन रजिस्टर्ड डॉक्टर्स एंड आर नोन एज क्वैक्स. सो ये भी एक रीज़न है, मतलब ये चैलेंज हो जाता है बिकॉज इसमें कई बार रेगुलेशन नहीं है तो लैप्सेस होते हैं. अगर अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया तो पेशेंट का लाइफ भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है. लिबरलाइजेशन में काफ़ी सारे NRI एंड इंडस्ट्रियल एंड फार्माक्यूटिकल कंपनी हैव सेटअप स्टेट ऑफ द आर्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जैसे हार्ट का एक हॉस्पिटल है, कैंसर का है, इंडिया के अट्रैक्ट रिच एंड मेडिकल टूरिस्ट के लिए भी. डू यू थिंक मोस्ट पीपल इन इंडिया कैन गेट एक्सेस टू सच सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल? प्रोबेबली नॉट, बिकॉज ये बहुत आउट ऑफ बजट हो जाता है. वॉट कुड बी डन सो दैट एवरी पर्सन इन इंडिया कुड एक्सेस टू अ डिसेंट क्वालिटी हेल्थ केयर? तो उसके लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये सर्विसेज देना ज़रूरी है. कम्युनिटी एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं ये हेल्थ केयर की, यहाँ पे देखते हैं कुछ सोसाइटीज़ हैं जो कैंसर ट्रीटमेंट, क्योंकि बहुत महंगा होता है तो वो इसके लिए सपोर्ट करती है. कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, PHC, सेवा एकॉर्ड, NGOs हैं काफ़ी सारे, छत्तीसगढ़ माइंस श्रमिक संघ है, थाने में है ये काश्तकारी संगठन. द होल आइडिया इज़ हेल्थ केयर को एक्सेसिबल बनाना है, हेल्थ केयर में लोगों की हेल्प करना है. इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ है कंपैरिजन विद अदर कंट्री में देखें तो ये डेटा 2019 का है, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर 2019 वर्ल्ड बैंक वॉशिंगटन. इस डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में जो IMR है, सी यहाँ पे आंसर्स दे दिए गए हैं, इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट 1000 लाइफ बर्थ में होता है बच्चे का, इन्फेंट का, दैट इज़ 30 है इंडिया में. दिस इज़ अगेन नॉट दैट गुड बिकॉज वर्ल्ड का सी काफ़ी कम है. अंडर 5 मोर्टैलिटी 37, ये भी हमारा उतना अच्छा नहीं है. स्किल्ड अटेंडेंट मतलब इंस्टीट्यूशनलाइज डिलीवरी एंड ऑल होना चाहिए, दैट इज़ 81. देन इन्फेंट इम्यूनाइज्ड 89. गवर्नमेंट हेल्थ स्पेंडिंग सी दिस इज़ लेस 3.7 है, यहाँ देखिए कितनी ज़्यादा है इनकी GDP का, इसको बढ़ाने का टाइम आ गया है. आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर अगेन यहाँ पर ज़्यादा है, ये कम होना चाहिए. इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, नोट डाउन दीज फिगर्स, ये 2019 के हैं, ये काम करेंगे. देन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैं, इसमें 6 ये नए सिस्टम हैं, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, नेचुरोपैथी एंड होम्योपैथी, ये मिनिस्ट्री भी है. एट प्रेजेंट इतने सारे आयुष हॉस्पिटल्स हैं, इतने रजिस्टर्स हैं, एंड देन लिटिल हैज़ टू बी डन. अब फ्रेमवर्क होना बहुत ज़रूरी है ताकि स्टैंडर्डाइज हो सके इसकी एजुकेशन, प्रमोट करे रिसर्च को, बिकॉज इनमें भी काफ़ी पोटेंशियल है, आयुर्वेदा में, योगा, यूनानी, सिद्धा, नेचुरोपैथी एंड होम्योपैथी में. वी नीड अ क्लिनिकल ट्रायल्स भी हों ताकि इनकी जो फाइंडिंग्स है वो अच्छे से R&D के बाद वो हम आगे प्रोवाइड करें. इफेक्टिव, सेफ एंड इनएक्सपेंसिव भी हो सकते हैं, इनका रीच भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है. सो हेल्थ केयर में वी नीड टू यूटिलाइज एवरी सिंगल थिंग दैट वी हैव. हेल्थ एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का क्रिटिकल अप्रेजल देखें तो हमने काफ़ी प्रोग्रेस किया है, बट IMR, MMR, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, न्यूट्रिशनल लेवल, ये अभी इतना अच्छा नहीं है. कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के भी इंसिडेंसेस हैं. रोल ऑफ गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर में बढ़ना चाहिए, ये फिगर कम है, 3.7% ऑफ टोटल GDP जो हम लगा रहे हैं, ये अभी कम से भी कम 5% के ऊपर होना चाहिए. ये अबेसमली लो है कंपेयर टू अदर कंट्रीज. सी बाकी लोग कितना कर रहे हैं, सी यहाँ पे लिखा है इंडिया 3.7 है, इवन चाइना 5.7 है, लुक एट USA 17% है, श्रीलंका भी इनफैक्ट 3.9 है. देन ये बढ़ाने की ज़रूरत है. पॉइंट करता है 1/5 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन बट इट बियर्स अ फ्राइटनिंग 20% ऑफ द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज़. डिसीज़ मतलब डिसीजेज होती है तो वी गेट सम चैलेंजेस, जैसे अभी COVID-19 के कारण कोरोना वायरस एंड ऑल फैल रहा है, तो इससे क्या होता है, ह्यूमन जो वर्कफोर्स है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन बंद हो रहा है और इकोनॉमी जो है ये स्टैंड स्टिल पर आ गई है. GBD इज एन इंडिकेटर यूज बाई एक्सपर्ट टू गेज द नंबर ऑफ पीपल डाइंग प्री मेच्योरली ड्यू टू अ पर्टिकुलर डिसीज. अगर ऐसे हम ह्यूमन कैपिटल लूज कर देते हैं तो हमने कितना सारा वर्क लॉस कर दिया प्री मेच्योर अगर ऐसा हो रहा है तो द नंबर ऑफ ईयर्स स्पेंड बाय देम इन अ स्टेट ऑफ डिसेबिलिटी ओइंग टू द डिसीज भी. 2017 की डेटा शो करता है 2/3 ऑफ GBD नाउ नोन एज टोटल बर्डन ऑफ डिसीज़ जो है ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज एसोसिएटेड हार्ट में, रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स, किडनी. ओबेसिटी भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में. लाइफस्टाइल इज़ ऑल्सो वन प्रॉब्लम. डायरिया, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम और ये सारी चीज़ों से हमारा क्या होता है, हम इकोनॉमिक लॉसेज होते हैं हमें.
देन प्रपोर्शन ऑफ डेथ अकरिंग ड्यू टू दिस, ये भी अगेन काफ़ी ज़्यादा है. 20% ऑफ पॉपुलेशन यूटिलाइज करती है पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी, काफ़ी लोगों को ये मिल नहीं पाता है. PHC का पेनिट्रेशन ज़्यादा नहीं है. नंबर ऑफ डॉक्टर टू पेशेंट अवेलेबिलिटी कम है. सफिशेंट स्टॉक ऑफ मेडिसिन भी डिफ़िकल्टी होती है. सो दिस इज शुड वी बिल्ड एन आर्मी ऑफ दिस. ये बहुत ज़रूरी है हमारे इंडिया में. PHC को हम जितना ज़्यादा प्रमोट करेंगे ना, तो उससे हेल्थ केयर का पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा. बहुत सारी चीज़ें नीचे के लेवल पे ही कवर हो जाती है. NGOs एंड ऑल काफ़ी ज़्यादा इसमें वर्क कर रहे हैं. इंडियन सिटीज़ कुड बी प्रोवाइडेड विद वर्ल्ड क्लास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सो दैट दे विल बिकम अट्रैक्टिव फॉर मेडिकल टूरिज्म. हम फॉरेन करेंसी यहाँ से अर्न कर सकते हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मेडिकल टूरिज्म, नो अबाउट दिस. अर्बन रूरल और पुअर रिच डिवाइड है. गांव में अक्सर फैसिलिटी नहीं मिल पाती है और जो पुअर है वो ज़्यादा बड़े हेल्थ केयर नहीं एक्सेस कर पाते हैं. सो दैट इज़ वाई एक आयुष्मान भारत स्कीम भी सरकार ने लॉन्च किया है. देन 70% इंडिया की पॉपुलेशन रूरल एरिया में है. असली इंडिया रूरल इंडिया है. रियल इंडिया इज़ रूरल इंडिया. 1/5 ऑफ इट्स पॉपुलेशन जो हॉस्पिटल्स में है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स लोकेटेड इन रूरल एरिया में है. यहाँ पे हाफ द नंबर ऑफ डिस्पेंसरीज हैं. ओके, देन यहाँ पे यूजुअली इंफ्रास्ट्रक्चर कम है रूरल एरिया में. लिविंग इन रूरल एरिया डू नॉट हैव सफिशियंट मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर. हॉस्पिटल्स का यहाँ पे रेशो कम है. 0.36 हॉस्पिटल है फॉर एवरी 1 लाख पीपल इन रूरल एरिया, विच इज़ लेस. और अर्बन में ये भी लेस ही है, बट ये 3.6 है, बेटर देन 0.36. PHC जो रूरल एरिया में होते हैं, दे डू नॉट इवन हैव ऑफर एक्सरे, ब्लड टेस्टिंग. तो अक्सर इन्हें फिर शहर की तरफ भागना पड़ता है. सिटी ड्वेलर कॉन्स्टिट्यूट बेसिक हेल्थ केयर. बिहार, MP, राजस्थान, UP लैग बिहाइंड है हेल्थ केयर इन फैसिलिटीज़ में. रूरल एरिया में परसेंटेज ऑफ पीपल जो हैं, इनको प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं मिल पाती है. छोटी छोटी चीज़ों के लिए शहर की तरफ जाना पड़ता है. देन दिस पेडियाट्रिक, गायनेकोलॉजी, एनेस्थीसिया, ऑब्स्टेट्रिक्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पर नहीं हैं. 530 रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेजेस हैं यहाँ पे. ओके, और ये दे आर ऑल्सो लेस. शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स यहाँ पे अक्सर बनी रहती है. एरिया परजस्ट. डॉक्टर्स भी कई बार इन रूरल एरिया में सर्विस करने पे दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट, बिकॉज ओवरऑल मेडिकल तो है और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी भी यहीं पे कम पड़ती है. तो इट ऑल बॉयल्स डाउन वन थिंग कि इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे है या नहीं है. अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, तो उससे और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी आने लग जाती है. 1/5 ऑफ दिस डॉक्टर ग्रेजुएट हैं, लीव द कंट्री फॉर बेटर मॉनिटरी प्रॉस्पेक्ट. उनको यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं मिलता है तो वो US UK चले जाते हैं. वहाँ उनको बहुत अच्छा लाइफस्टाइल मिल जाता है. लोकेटेड इन अर्बन एरिया में रहना चाहते हैं, गांव नहीं जाना चाहेंगे. देन 1 or 2 डॉक्टर वर्किंग इन योर एरिया, आप उनसे डिस्कस करके ये पॉइंट स्टडी करिए. ये क्या हैं? वेरियस हेल्थ केयर मेजर्स हैं. मटर्नल हेल्थ इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न. दिस इज़ ऑल्सो वन थिंग. देन यहाँ पे अगर हम देखें तो दिस फिगर इज़ ऑब्वियसली लेस. व्हाट हैपन्स व्हेन द पुअर फॉल सिक? आज की डेट में हमें सबसे ज़्यादा डर क्या लग रहा है? हमने माइग्रेंट वर्कर्स को अपने रूरल एरिया तो सेंड कर दिया, बट अगर वो कैरियर ऑफ COVID-19 बन गए, क्वारंटाइन नहीं हुआ, सेफगार्ड नहीं कर पाए, और रूरल एरिया में मास स्केल अगर ऐसा नहीं हो, बट अगर ऐसा हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? व्हाट अबाउट दैट? हमारे पास वहाँ पे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है. व्हाट हैपन्स व्हेन द पुअर फॉल सिक? Many have to sell their land or even pledge their children. ये ऐसे बहुत hardships करनी पड़ती है उन्हें. Since government run hospital do not provide sufficient facility, poor are driven to private hospitals. और ये private hospitals बहुत बहुत महंगे होते हैं. इनका बहुत नुकसान हो जाता है अपना इलाज कराने में. इंडेटेड फॉरएवर हो जाते हैं. रिसेंटली गवर्नमेंट ने काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए हैं. एक इनिशिएटिव बहुत अच्छे से समझना है, दैट इज़ आयुष्मान भारत इनिशिएटिव. ओके, फिर विमेन हेल्थ भी एक बहुत बड़ा इशू है. ये हम इस पर प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाते हैं. विमेन कॉन्स्टिट्यूट अबाउट हाफ ऑफ दैट टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया. वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज टू आर इक्वल. ओके, दीज टू आर इक्वल, दीज टू आर कॉम्प्लीमेंट्री. विमेन, मैन एंड विमेन, दीज टू आर, दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. सो दे सफर मैनी डिसएडवांटेजेस एज कम्पेयर टू मैन इन द एरियाज ऑफ एजुकेशन नहीं है, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, हेल्थ केयर में इनका नेग्लेक्ट हो जाता है. ये बहुत दुख की बात है कि ये चाइल्ड सेक्स रेशो इंडिया में 927 2001 था, अब ये 919 हो गया 2011 में. इंसिडेंसेस ऑफ दिस फीमेल फीटिसाइड भी है. देन 15 एंड 19 आर ओनली दिस. सो दिस इज़ अगेन वन थिंग. देर वॉज अ टाइम जब ये बहुत ज़्यादा इशूज़ थे, ऐसी बहुत सारी सोसाइटी में बुरी बातें थी, बट हमने उनको दूर किया है. चाइल्ड मैरिज एंड ऑल, ये सारी चीज़ें रिमूव किया है. बट अगेन वी नीड टू चेंज. ये जो सोसाइटी का जो पैट्रियार्कियल सोसाइटी भी है और माइंड सेट है, इसको बदलने की ज़रूरत है, बिकॉज वी नीड टू वर्क ऑन दिस हेल्थ केयर एज वेल. 50% यहाँ पर है. एनीमिया का बहुत बड़ा इशू होता है, न्यूट्रिशनल एनीमिया होता है, आयरन डेफिशिएंसी होती है.
इसको भी डिक्लाइन नहीं कर पाए, ऑल दो यहाँ पे आंगनवाड़ी एंड ऑल से ये टैबलेट्स एंड ऑल प्रोवाइड होती हैं, देन बर्डन ऑफ डिसीज़ के हिसाब से ये यहाँ पे अगेन प्रॉब्लम है, प्री मेच्योर डेथ है, न्यूनटल डिसऑर्डर है, टॉप्स कर रहा है इस फिगर को। तो दिस इज़ अगेन ह्यूमन कैपिटल लॉस हो रहा है, इकोनॉमी का लॉस हो रहा है यहाँ पे। हेल्थ एक वाइटल पब्लिक गुड है, बेसिक ह्यूमन राइट है, दिस इज अ बेसिक ह्यूमन राइट, वी नीड टू अंडरस्टैंड। ऑल सिटीजन्स कैन गेट बेटर हेल्थ फैसिलिटी, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज आर डिसेंट्रलाइज, PHC को बढ़ाओ। सक्सेस लॉन्ग टर्म बैटल होगा अगेंस्ट डिसीज स्प्रेड ऑन, अगर डिपेंड है एजुकेशन दो, एफिशिएंट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं। क्रिटिकल है टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन हेल्थ हाइजीन, एफिशिएंट सिस्टम बनाए। इसमें टेलीकॉम एंड आईटी सेक्टर भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। कई बार हम देखते हैं ना मेडिकल भी हम आईटी रिमोट से लेके ये काफ़ी डॉक्टर्स अपनी फैसिलिटी वहाँ पे दिखा रहे हैं, ऐसी फैसिलिटीज़ अभी हम टेलीमेडिसिन एंड ऑल पे भी वर्क कर रहे हैं। इफेक्टिवनेस ऑफ हेल्थ केयर प्रोग्राम रेस्ट ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस थिंग, PHC इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अल्टीमेट गोल होना चाहिए कि पीपल मूव टूवर्ड अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। हेल्दी होते हैं ना तो लाइफ में हर चीज़ अच्छी लगती है। फिर देर इज़ अ शार्प डिवाइड बिटवीन अर्बन एंड रूरल हेल्थ केयर इन इंडिया, अगर हम कंटिन्यू टू इग्नोर करेंगे इस डीपनिंग डिवाइड को तो हमारे यहाँ रिस्क है कि हमारी जो सोशो इकोनॉमिक फैब्रिक ऑफ अवर कंट्री है ये क्या हो जाएगा, डीएस्टेबलाइज हो जाएगा। सो हेल्थ इज़ अ प्रायोरिटी, और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल अभी हमने COVID-19 में लेसन सीख रहे हैं। सो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड बेसिक हेल्थ केयर, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी, ये दो कीवर्ड याद रखने हैं हमें, वन इज एक्सेसिबिलिटी एंड द अदर इज अफोर्डेबिलिटी, इसको इंटीग्रेट करें इन अवर बेसिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कंक्लूजन, इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक एंड सोशल एसेंशियल होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट, ये सपोर्ट सिस्टम है, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी को, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। शहरों में आप देखो काम करने के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है। आप दिल्ली में हैं सो आप इवन गुड़गांव से आप नोएडा भी जा सकते हैं, मेट्रो सिस्टम आर सो कन्वीनियंट, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज देयर, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होती है। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने काफ़ी प्रोग्रेस किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, बट इसका डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइवन, अनइक्वल ग्रोथ है, रीजनल इम्बैलेंसेस है। रूरल इकोनॉमी में, रूरल इंडिया में येट टू गेट गुड रोड्स हैं, टेली कम्युनिकेशन फैसिलिटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी, स्कूल एंड हॉस्पिटल्स नहीं है, तो देर इज़ अ डिवाइड। इंडिया मूव टूवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन, तो क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ सस्टेनेबल भी होना चाहिए, एनवायरमेंटल डैमेज नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए एक EIA 2020 गाइडलाइंस भी हैं, अभी ड्राफ्ट लाइंस इशू हुई है। रिफॉर्म पॉलिसीज एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, रिफॉर्म पॉलिसीज प्रोवाइड होती हैं वेरियस कंसेशंस एंड इंसेंटिव्स के लिए। एम होता है हम प्राइवेट सेक्टर को लाएं और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, पैसा आएगा तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, जैसे बुलेट ट्रेन बना रहे हैं तो दैट इज़ अ इंफ्रास्ट्रक्चर जापान की हेल्प से। जो वाइल एजर्टिंग असेसिंग द टू इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और हेल्थ, ये क्लियर है देर इज़ अ स्कोप फॉर इक्वल एक्सेस टू इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑल। नाउ लेट अस हैव अ रीकैप, इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क है फिजिकल फैसिलिटी का, पब्लिक सर्विसेज का, एंड विद दिस सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इज इक्वली इम्पॉर्टेंट टू सपोर्ट इट। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमें अपग्रेड करना पड़ता है इसे, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी होती है तो बेटर इनकम भी होती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, टूरिस्ट ये सारे इंडिया में आते हैं। डेवलप होता है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रिक्वायर्ड होती है टू ब्रिंग इन ह्यूज फंड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। एनर्जी इज़ वेरी वाइटल रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ में, बिग गैप है बिटवीन कंज्यूमर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया में। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी ग्रेट सपोर्ट है शॉर्टेज ऑफ एनर्जी, पावर सेक्टर में फेसिंग अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम है, जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लेवल, ये एक बहुत बड़ा लॉसेस भी होता है। हेल्थ एक यार्ड स्टिक है फिजिकल और मेंटल में, ओके हेल्थ एक यार्ड स्टिक है, फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ बोथ। सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन हो रहा है फिजिकल प्रोविजन ऑफ हेल्थ का, इंप्रूवमेंट इन हेल्थ इंडिकेटर सिंस इंडिपेंडेंस दे गॉट बेटर, पब्लिक हेल्थ सिस्टम फैसिलिटीज सफिशिएंट नहीं है बल्क ऑफ द पॉपुलेशन के लिए। देन वाइड गैप है रूरल अर्बन एरिया में, पुअर एंड रिच इन यूटिलाइजिंग हेल्थ केयर फैसिलिटी। वीमेन जो हेल्थ है वो मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न है, ये एक बहुत बड़ा हमें फोकस होना चाहिए, ये फीमेल फिटिसाइड एंड मोर्टेलिटी रेट है, दे आर नॉट गुड, इसको हमें दूर करना है। देन रेगुलेटेड प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर है, इम्प्रूव हो रही है सिचुएशन, NGOs और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है, ये प्रोवाइड होना चाहिए, हर किसी का यूज़ करना है, यूटिलाइज करना है।
नेचुरल सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक्सप्लोर करें, सपोर्ट करें पब्लिक हेल्थ को। ग्रेट स्कोप ऑफ एडवांसमेंट है मेडिकल टूरिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हैव अ गुड लुक ऑफ दिस मेडिकल टूरिज्म। सो लेट अस नाउ डिस्कस द एक्सरसाइज, मीनिंग क्या होता है, एक्सप्लेन द टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। दो कैटेगरी है इनटू व्हिच इंफ्रास्ट्रक्चर इज डिवाइडेड, ये दोनों इंटरडिपेंडेंट क्या है, एनर्जी और दिस हेल्थ। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बूस्ट करती है प्रोडक्शन को, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रीब्यूट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, ये बिल्कुल करेक्ट है। स्टेट ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, डेफिशिएंसी है। एनर्जी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, कोई भी काम करना है यू नीड एनर्जी। कमर्शियल नॉन कमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है, तीन बेसिक सोर्सेज क्या है टू जनरेट पावर, पावर जनरेट करने के। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस कैसे होते हैं इन डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और ये कम कैसे करें, एक उदय योजना भी है। नॉन कमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, जस्टिफाई करें यूज ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी। देन कंजम्पशन पैटर्न ऑफ एनर्जी चेंज कैसे हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हैव अ लुक, सोचिए इन सब क्वेश्चंस के बारे में। रेट्स ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे कनेक्टेड होती है, प्रॉब्लम्स क्या फेस हैं पावर सेक्टर में, रिफॉर्म्स क्या लेके आए हैं रिसेंटली टू मीट द एनर्जी क्राइसिस इन इंडिया, बहुत सारे हमने रिसेंट इन रिफॉर्म्स लिए हैं। देन हेल्थ ऑफ द पीपल क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसको हम कैसे मेजर करते हैं, लाइक हम IMR MMR फिगर्स देख रहे हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी देख रहे हैं। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज, नो दिस टर्म GBD, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज। मेन ड्रॉबैक क्या है हेल्थ केयर सिस्टम के, वुमेन हेल्थ एक मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न है। मीनिंग ऑफ पब्लिक हेल्थ, मेजर पब्लिक हेल्थ मेजर्स क्या लिए हैं गवर्नमेंट में रीसेंट ईयर्स टू कंट्रोल डिसीजेस। देन सिक्स सिस्टम ऑफ इंडियन मेडिसिन क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ हेल्थ केयर प्रोग्राम, ये हम कैसे करें, ट्राई टू थिंक द सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं यहाँ पे। सो दिस इज दिस चैप्टर नंबर 8, यहाँ पे हमने पढ़ा कि विमेन हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। देन प्राइमरी हेल्थ केयर, देन अर्बन रूरल एंड पुअर और रिच, ये डिवीज़न है यहाँ पे, जैसे डिजिटल डिवाइड है वैसे अर्बन रूरल और पुअर रिच डिवाइड भी है। देन इंडिकेटर्स क्या है हेल्थ और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, नेचुरोपैथी एंड होम्योपैथी, ये सारे फिगर यू शुड रिमेंबर, यूज़ दिस इन योर आंसर एंड एवरीथिंग यू टॉक अबाउट, दीज आर द नंबर्स, ओके, इंडिया के ये सारे नंबर है इन सब चीज़ों के, नोट इट डाउन। देन दिस इज़ कम्युनिटी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ केयर में ज़रूरी है। मेडिकल टूरिज्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए। देन दिस इज़ टाइप्स है हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी, PHC में बहुत फोकस है अभी इंडिया का। देन दिस इज़ प्राइवेट सेक्टर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे। देन दिस इज़ अबाउट हेल्थ, और इससे पहले हमने पढ़ा एनर्जी, एनर्जी में हमने पढ़ा ये हमें जैसे ये उजाला स्कीम में हम LED एंड ऑल हम दे रहे थे बिकॉज एनर्जी कंजम्पशन कम होता है इनका। BEE ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जो नई बिल्डिंग्स बना रहे हैं वो अपन एनर्जी एफिशिएंट बनाने की कोशिश करते हैं। देन हमने देखा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ का क्या लॉसेस कैसे होते हैं, मेक अ डिफरेंस। देन चैलेंजेस क्या हैं पावर सेक्टर के, ये परसेंटेज है पाई चार्ट, कहाँ कितनी पावर जनरेट हो रही है, ओके। दिस इज़ पैटर्न ऑफ कमर्शियल एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। देन दिस इज़ अबाउट एनर्जी, और ये सारी चीज़ें हैं, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है यहाँ पे, ओके। डैम्स हैं टेम्पल ऑफ डेवलपमेंट भी, रेलेवेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, द स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया है, दिस इज़ मोरबिडिटी, ओके। दिस इज रोड्स आर द मिसिंग लिंक विद ग्रोथ एंड व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दिस इज इंट्रोडक्शन, ओके। रिमेंबर दिस, मैनी थिंग्स वी नीड कैन वेट, द चाइल्ड कैन नॉट, ओके। टू हिम वी कैन नॉट से टुमारो, हिज नेम इज टुडे, द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वॉज यस्टरडे, ओके, द नेक्स्ट बेस्ट टाइम इज टुडे, आज करना है, टुडे इज द बेस्ट टाइम, आज बेस्ट टाइम है, ओके। सो दिस इज इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हमने चैप्टर नंबर 8 भी पढ़ लिया, इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से हमने सारी सॉलिड फाउंडेशन हम बना रहे हैं यहाँ पे। 9th हो गया, 10th हो गया, 11th भी अब कंप्लीट होने वाला है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ग्रोथ होना चाहिए बट वो सस्टेनेबल भी होना चाहिए बिकॉज फ्यूचर जनरेशन के प्रति भी हमारी कुछ जिम्मेदारी होती है। हमारे बाद जो लोग आएंगे उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम लोगों ने उनके साथ कुछ उनको डिप्राइव कर दिया है उनके राइट्स से। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड देन फिर चैप्टर नंबर 10। सो विल टॉक इन दिस talk about this in next chapter. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.